सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पलाशरा और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टूडेंट खबरी के इस नए वाले वीडियो में। जैसा कि आपको मालूम है, स्टूडेंट खबरी एक ऐसा इकलौता न्यूज चैनल है जो स्टूडेंट्स के लिए नई नई खबर लाता रहता है, चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, आपको यहाँ पर वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा। तो आपको जैसा कि मालूम ही है कि यार हम लोग हर वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ करियर ऑप्शन लाते रहते हैं या तो कोई नया कॉलेज लेके आते रहते हैं। सो इस बार बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट की डिमांड पे हम लोग एक कॉलेज लेके आए हैं, एक यूनिवर्सिटी लेके आए हैं। इस यूनिवर्सिटी की डिमांड स्टूडेंट्स के बीच में बहुत थी, जो कि भोपाल से थे और भोपाल के बाहर के स्टूडेंट्स की भी। सो ये जो यूनिवर्सिटी है, इसका मैं आपको पहले नाम बता देता हूं, ये है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी। सो अगर आप चैनल पे नए हो ना, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, ताकि अगले आने वाले वीडियो के बारे में आपको पॉपअप नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। और साथ ही साथ चैनल में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ खूब सारा आपके लिए मैं ज्ञान का भंडार लेके आया हूं। अब बात करते हैं बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ये जो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है, इसका नाम स्टार्टिंग से बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी नहीं था, पहले इसका नाम था भोपाल यूनिवर्सिटी। जब 1988 में एक फ्रीडम फाइटर जो थे प्रोफेसर बरकतुल्ला, वो उसी एरिया में रहते थे, उनके नाम पे इस यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर करके बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी बना दिया गया भोपाल यूनिवर्सिटी से। अब बात करते हैं कि इसको NAAC ने 2015 में क्या ग्रेड दिया हुआ है। सो इसको NAAC ने 2015 में बी ग्रेड दिया हुआ है। साथ ही साथ अब मैं आपको आगे और बताना चाहूंगा, तो ये जो अकेली यूनिवर्सिटी है, ये 64 गवर्नमेंट कॉलेजेस, 159 प्राइवेट कॉलेजेस को एफिलिएशन देती है इन 8 डिस्ट्रिक्ट ऑल ओवर मध्य प्रदेश। कैन यू इमेजिन गाइस, कि मतलब ये जो अकेली यूनिवर्सिटी है, ये नॉन टेक्निकल कॉलेजेस को और टेक्निकल कॉलेजेस को एज वेल ये एफिलिएशन दे रही है, जिसमें 64 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और 159 प्राइवेट कॉलेजेस हैं ऑल ओवर मध्य प्रदेश 8 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कैंपस के बारे में। सो अब बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के कैंपस के बारे में। सो ये जो पूरी यूनिवर्सिटी है, ये 400 एकर्स में स्प्रेड है। साथ ही साथ अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप भोपाल में हैं, तो आपको मालूम होगा कि ये यूनिवर्सिटी कहां सिचुएटेड है भोपाल में। बट फॉर एग्जांपल, अगर आप बाहर से कहीं से आते हैं और आपको इस यूनिवर्सिटी को विजिट करना है, सो यार मैं उसके लिए आपको डिस्टेंस बता देता हूं। ये जो यूनिवर्सिटी है, ये होशंगाबाद जो हाईवे है उस पे स्थित है। साथ ही साथ वहां पर अगर आप हबीबगंज रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं भोपाल में आके, सो वहां से आपको सिर्फ 3 किलोमीटर दूर पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप मेन स्टेशन उतरते हैं, जो भोपाल का मेन स्टेशन जिसको जाना जाता है, वहां से आपको ये टोटल 12 किलोमीटर पड़ेगा। और अगर आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं, अगर आप बाय एरोप्लेन आ रहे हैं या बाय फ्लाइट आ रहे हैं, सेम ही चीज है, तो अगर आप उससे आ रहे हैं और आपको इस कॉलेज पहुंचना है, सो उसके लिए आपको 23 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। अब ये तो बात हो गई कि ये यूनिवर्सिटी कितना दूर पड़ेगी और इसका कितना एरिया है कैंपस का। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये जो कैंपस है इस यूनिवर्सिटी का, ये रेसिडेंशियल भी है, यहाँ पर वाइस चांसलर भी रह रहे हैं, साथ ही साथ कई स्टाफ मेंबर्स भी रहते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर 4 बॉयज हॉस्टल दिए गए हैं और एक गर्ल्स हॉस्टल दिया गया है। तो काफी अच्छी हॉस्टल फैसिलिटी भी है उन बच्चों के लिए जो बाहर से आके इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। अब बाद में आगे करूंगा कि आपको कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज आपको अवेल किए जाते हैं इस यूनिवर्सिटी के द्वारा। सो आपको यहां पर बीएड करवाया जाता है, बीएड के बाद आपको यहां पर एमए करवाया जाता है, उसके बाद मास्टर ऑफ फिलॉसफी भी करवाया जाता है, साथ ही साथ कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ एक कोर्स और जो है वो थोड़ा अलग है, और अभी मतलब इस यूनिवर्सिटी की खास बात यह है कि यहां पर कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको कई यूनिवर्सिटीज में बहुत कम देखने को मिलेंगे। ऐसी कम यूनिवर्सिटीज हैं जो ये कोर्सेज आपको अवेल करवाती हैं। तो उसमें से एक कोर्स जो ये भी है, ये है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। काफी अलग अलग कोर्सेज हैं, और अगर आप इसके कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारे कोर्सेज जो जितने भी ये यूनिवर्सिटी कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है, उन सबके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाके वहां पर बेझिझक होकर चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि यार यहां पर ये जो यूनिवर्सिटी है, ये आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है। अब बात करते हैं यहां पर कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है। तो जैसा कि मैं आपको देख पा रहा हूं, यहां पर देख के मैं आपको बताता हूं कि यहां पर कौन-कौन सी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, 4 बॉयज हॉस्टल हैं और एक गर्ल्स हॉस्टल है, तो उस हिसाब से यहां पर एक हॉस्टल फैसिलिटी तो आपको मिलेगी। यहां पर एनएसएस भी है, और यहां का एनएसएस काफी एक्टिव है। जैसे कि हमको स्टूडेंट रिव्यूज हमेशा मिलते रहते हैं बरकतुल्ला यूनिवर्सिटीज के द्वारा, तो वहां पर यह है कि वहां पर एनएसएस काफी एक्टिव है। साथ ही साथ वहां पर आपको हेल्थ सेंटर देखने को मिलेगा, हेल्थ सेंटर काफी अच्छी चीज है। बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज में क्लब्स तो रहते हैं या इवेंट्स भी होते हैं, बट ये जो एक हेल्थ सेंटर जैसी चीज है, आजकल कम यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटीज में रहती है और बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में ये है। साथ ही साथ आगे बताऊं तो स्किल डेवलपमेंट सेल है भाई, अगर आप अंदर अपने अंदर कुछ स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कई सारे ऐसे स्किल्स रहते हैं, जरूरी नहीं है स्किल्स में सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, स्किल के अंदर हर चीज आती है। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं, आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो वो भी एक स्किल है। अगर आप एक एंकर हैं तो अगर आप एंकरिंग करना चाहते हैं और उसमें और अच्छे से करना चाहते हैं तो वो भी एक स्किल डेवलप करते हैं। राइटर हैं, राइटिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको स्किल डेवलप करनी पड़ती है। रैपर हैं, रैप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको स्किल डेवलप करनी पड़ती है। तो एक स्किल सेंटर भी है यहाँ पर, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट सेल है जैसे कि मैंने आपको बताया। साथ ही साथ यहाँ पर एक पेटेंट सेल है। अब आप सोच रहे होंगे पेटेंट सेल क्या होता है? देखिए, जब आप रिसर्च करते हैं, कुछ नई चीजों का इन्वेंशन करते हैं, सो उस चीज को आपके नाम पे पेटेंट करवाने के लिए वहां पर एक पेटेंट सेल भी है। पर ये ऐसा होता है कि वो चीज आपके अकॉर्डिंगली यूनिक होना चाहिए। इस चीज में आपको और डिटेल में जानना है तो इस पर भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि पेटेंट कैसे करवाते हैं, पेटेंट करवाना क्या होता है, ठीक है। बात करते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी है जिसमें काफी सारी अमाउंट की आपको बुक्स देखने को मिलेंगी। अब बात यह होती है कि अगर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो उसके पास एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी होना चाहिए। तो यहाँ की जो लाइब्रेरी की रेटिंग है स्टूडेंट्स की, वो 10 out of 7 है कि भाई काफी अच्छा स्टूडेंट का रिव्यू है यहाँ की लाइब्रेरी का। यहाँ पर उनका कहना है कि यहाँ पर कई सारी ऐसी बुक्स जो उनको अवेल इजीली हो जाती है और उनको उन बुक्स के लिए वेट नहीं करना पड़ता। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा। सो अब बात करते हैं, यहां पर मैंने जैसा कि आपको बता दिया यहां पर फैसिलिटीज कौन-कौन सी प्रोवाइड की जाती हैं। अब मैं आपको यह और बता देना चाहता हूं कि यहां पर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी अवेलेबल है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अवेलेबल होने के साथ भी यह कोर्स यहां पर करवाया जाता है। साथ ही साथ अब आपके मन में यह डाउट होगा कि यार यहां पर ऐसी कौन-कौन सी स्ट्रीम्स हमको प्रोवाइड की जाती हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में आपको यहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यहां पर आपको कंप्यूटर साइंस भी मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी और ऐसी सारी कई सारी स्ट्रीम्स हैं जो आपको यहां पर मिल जाएंगी। तो उनके बारे में और जानने के लिए मैं जैसे ही आपको हमेशा बोलता हूं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहां पर पूरा ब्रीफ में डाटा मिलेगा, है ना। अब वीडियो में और आगे बढ़ते जाते हैं बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते करते, तो अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो अब बात करते हैं यहां के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो मैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहां पर एक बात और बता देना चाहता हूं, ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स भी हैं इनके पास, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स भी हैं। साथ ही साथ अब बात करते हैं कि यहां पर एडमिशन प्रोसीजर क्या है। तो भाई देखिए, इनका एडमिशन जो प्रोसीजर होता है, चाहे आपको किसी भी स्ट्रीम के लिए एनरोल करना हो, किसी भी कोर्स के लिए एनरोल करना हो, यहां पर जो एडमिशन प्रोसेस है वो कुछ स्टेप्स में होता है। वो स्टेप्स ऐसे रहते हैं कि आपको सबसे पहले अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको लॉग इन करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद आपको अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक गिवन ईमेल आईडी पे भेजने पड़ेंगे। सो वो जो ईमेल आईडी है वो मैं यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दूंगा। साथ ही साथ फॉर मोर अबाउट एडमिशन प्रोसेस आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे काउंसलर्स का नंबर ले सकते हैं और उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपको ब्रीफली अच्छे से बताएंगे कि आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको अब और आगे बताऊं अगर इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, इस कॉलेज के फी स्ट्रक्चर के बारे में, तो अगर आप बीए करना चाहते हैं यहाँ से, दैट इज बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो वो आपको पड़ेगी 8K पर एनम। तो यार जो आपका सालाना फीस रहेगा वो 8K पर एनम रहेगा फॉर बीए। अब बात करते हैं कि इसमें अभी जो अलग फैसिलिटीज वाली फी है, जैसे हॉस्टल फीस हो गई या बस फीस हो गई अगर बस अवेल होती है, तो वो सब अभी इसमें एडेड नहीं है। अब बात करते हैं कि और किस चीज का आपको फी स्ट्रक्चर में बताऊं, तो मैं आपको बता देता हूं बीसीए का फी स्ट्रक्चर। बीसीए का फी स्ट्रक्चर जो है वो 25,000 पर एनम। साथ ही साथ और कई सारे कोर्सेज का फी स्ट्रक्चर जानने के लिए मैं उन सबको आराम से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्प्ले करवा दूंगा, ताकि आपको बस जाके रीड करना है और पूरा आपको वहां पर चार्ट इजीली मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप इस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, सो उसके बाद आपको यहां पर प्लेसमेंट किस टाइप का मिलेगा या प्लेसमेंट के लिए कौन कौन सी कंपनियां आती है, तो यहां पर प्लेसमेंट के लिए विप्रो आती है, टीसीएस आती है, ठीक है ना, काफी अच्छी अच्छी कंपनियां यहां पर, बड़े लेवल की कंपनियां आती हैं पर प्लेसमेंट के लिए। सो अब बात आती है कि ये कंपनियां आपको किस लेवल का पैकेज ऑफर करती हैं। तो ये जो कंपनियां होती हैं, ये मतलब जैसे कि हमारे पास डाटा आया है, हमने जो स्टूडेंट रिव्यू लिया है, जो हमारी रिसर्च है, उसके हिसाब से हमें ये पता चला है कि यहां पर जो एवरेज पैकेज जाता है वो जाता है 1.5 से 2 लाख तक। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, जो एवरेज पैकेज है वो है 1.2 से 2 लाख के बीच में जाता है। साथ ही साथ अगर आप बात करें कि आपको इनका मैक्सिमम पैकेज कितना जाता है, तो जो इनका मैक्सिमम पैकेज है वो जाता है 3
3.5 से 4 लाख पर एनम तक, ठीक है। सो ये तो हो गया पैकेज के बारे में। सो दोस्तों इस वाले वीडियो में मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा डिटेल कवर कर सकूं, और अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ पार्ट ऐसा रह गया है जो मैं कवर नहीं कर पाया हूं, तो यार आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, मैं अगला वीडियो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी पे जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। और आपको मालूम है यार, आपके इतना कहना था कि सर बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी पे एक वीडियो बनाया जाए, इसलिए हमारी पूरी टीम ने मेहनत करी और ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होना है और मैं भी अच्छा लगा हूं और मेरा दिया हुआ कंटेंट और नॉलेज आपको अच्छा लगा हो, तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में ना यार अपना रिव्यू जरूर बता देना। साथ ही साथ मैंने जैसा कि आपको बताता हूं, प्रेडिक्टर अगर आप यूज कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर अभी तक आपको प्रेडिक्टर के बारे में नहीं पता है तो ये जो ऊपर आई वाला आइकॉन है ना, इसमें आपको लिंक दिख रही होगी, आप इस पर क्लिक कीजिए, आपको प्रेडिक्टर क्या है उसके बारे में आपको पूरा डिटेल मिलेगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पीसीएम स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं और जो आगे जाके इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ वही बोलना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए थे तो यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। सो इन द एंड गाइस, आशा करता हूं आप सभी के साथ सब कुछ अच्छा हो, सबको अच्छा-अच्छा कॉलेज मिले, लाइफ आपको खूब सारी अपॉर्चुनिटीज दे दे। बस इन द एंड मेरा कहना यह है कि कभी भी डीमोटिवेट मत होइएगा और किसी की बात सुन के अपने आप को कमजोर मत समझिएगा, है ना। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फ्रॉम स्टूडेंट खबरी।